आउ छ न हो नावेलरु हम सब लोग टीवी का स्क्रीन में देख रहे हैं आपको, हम सब लोग आपका बहुत बड़ा अभिमान लोग है। ये स्टेज अभी पावन हो गया आप बैठ के, हम लोग सब लोग कला लोग है। यक्षगान आप देखा है नहीं अभी तक मालूम है मेरे को, फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सब लोग के सामने आपको छोटा सा एक गौरव हम लोग कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, दुर्गा माता की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत नमन और प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ वेडोरू में कार्यक्रम के लिए आई हुई थी महालिंगेश्वर भगवान के दिव्य स्थापना के शुभ अवसर पे, और एक छोटा सा भाव था मेरा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने भैया से कहा कि सचमुच में जब तक चीज़ों के बारे में रिसर्च ना की जाए, पता ना चले, तो कैसे पता चलेगा हमें ऊपर ऊपर से कि यहाँ उड़पी में कृष्णा मठ है और यहाँ पे ये मंदिर है, साउथ में ऐसा ये दिखाई देता था, लेकिन जो यहाँ पे लोकल में देव होते हैं उनकी कैसे पूजा होती है, उनकी कैसे पद्धति होती है, कैसे हम अपने गायन के माध्यम से उनको रिझाते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। तो फिर मैंने कहा कि मुझे देखना है, मुझे जीवंत देखना है कैसा दिखता है, कैसे होता है वो पूरा कार्यक्रम। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया का लेकर के आए। मैं आई वहाँ से, जैसे ही मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन म्यूजिक, और मैं जब भारतीय म्यूजिक को सुनती हूँ अपने कानों से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान के मंत्र को सुन रही, वो किसी भी भाषा में हो, वो किसी भी शब्द में हो, लेकिन जब हम अपने भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केवल हम अपने क्षेत्र के लिए नहीं करते बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए करते हैं। तो मुझे बहुत गौरव हुआ। तो मैं जब एंटर कर रही थी मैंने कहा कि आज तो मुझे काफ़ी देर तक, कुछ देर तक तो एटलीस्ट बैठ करके ये देखना है। और जो मैंने माँ दुर्गा का स्वरूप देखा, अद्भुत स्वरूप है, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे पास वैसे बहुत शब्द होते हैं पर आज मैं बोलने के लिए नहीं आई हूँ, आज मैं सुनने और देखने के लिए आई हूँ। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम कभी जरूर आएंगे और अच्छे से बोलने के लिए आएंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ ऑडियंस में बैठ करके देखना पसंद करूंगी। आप सभी को पुनः बहुत बहुत प्रणाम। बहुत